श्वार्ट्जर सिंड्रोम के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। श्वार्ट्जर सिंड्रोम जो है वो सेक्स के तुरंत बाद आता है और कुछ लोग उसको पोस्ट ऑर्गेजमिक इलनेस सिंड्रोम के नाम से भी पुकारते हैं। हालांकि थोड़ा फर्क दोनों में है। श्वार्ट्जर सिंड्रोम में क्या होता है कि इजैकुलेशन होने के बाद में, मतलब सेक्स होने के बाद जब शीघ्र पतन या पतन हो जाता है, शीघ्र पतन एक पतन हो जाता है, तो पतन के बाद मतलब इजैकुलेशन के बाद में तुरंत उसको बहुत थकान आती है। ऐसा लग जाता है कि पूरी ताकत निकाल लिया शरीर में से। हल्का सा बुखार आता है, पूरा उसका बदन ऐसा लगता है कि गर्म हो चुका है। स्नायु में दर्द होता है और सरदर्द होने लगता है। ये इजैकुलेशन के तुरंत बाद होता है और 4 से 7 दिन तक ये चलता है। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है, जैसा कोई पैरासीटामोल की दवाई लेता है या फिर कुछ हल्का सा बुखार है तो उसकी दवाई लेना। मगर खान पान अच्छा रहा, रेगुलर नींद अच्छी है और एक गिल्ट फीलिंग जो है सेक्स के बारे में वो ही निकालते हैं, तो इससे जल्दी छुटकारा आप पा सकते हैं। तो श्वार्ट्जर सिंड्रोम जो है उसमें ट्रीटमेंट के बदले ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए साइकोलॉजिकल इंटरफेरेंस बहुत ही जरूरी है। और वो काउंसिलिंग आप करते तो डेफिनेटली मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्या है सेक्स के बारे में या अराउंड सेक्स कि जो इसको चलता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि हमारा अंदर का जो प्रतिरोधक शक्ति है वो अपने खिलाफ काम करना चालू कर रही है और जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।